الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का जिक्र करें। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سميع محترم اللہ رب العزت نے دین اسلام کو پانچ شعبوں میں تقسیم فرمایا یوں کہیں کہ دین اسلام کی بنیاد جن پانچ شعبوں میں اللہ رب العزت نے تقسیم فرمائی ہے ان پانچ شعبوں کے نام کچھ اس طرح ہیں کہ پہلا شعبہ عبادات پر مشتمل ہے، دوسرا شعبہ عقائد پر مشتمل ہے، تیسرا شعبہ معاملات پر مشتمل ہے، چوتھا شعبہ اخلاقیات پر مشتمل ہے اور پانچواں شعبہ معاشرت پر مشتمل ہے۔ گویا کہ وہ پانچ بنیادی اصول قاعدے شعبے ہیں جن شعبوں پر اللہ رب العزت نے دین اسلام کی بنیاد رکھی۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام صرف عبادات پر مشتمل ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کی ادائیگی کر لی، زکات ادا کر لی تو ہم یہ سمجھتے ہیں دین اسلام مکمل ہو گیا۔ یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے اور اس بات کو ہمیں ماننا بھی چاہیے کہ مختلف خطباء کی موضوعات کے اندر بھی عبادات اور فضائل زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، معاشرتی موضوعات کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ یہ معاشرتی موضوعات کس قدر اہم ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ معاشرتی موضوعات کس قدر اہم ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس داخل ہونے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، سب سے پہلے تمہیں اجازت لینی چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اجازت لینا اور اس کے احکامات کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دو رکوع بیان فرمائے، دو رکوع بیان فرمائے، جبکہ فرض عبادت نماز کے بارے میں قرآن مجید میں غالباً 62 جگہوں پر ذکر ہے لیکن صرف نماز کے بارے میں حکم ہے، نماز کی ادائیگی کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں حکم نہیں ہے۔ وہ حدیث مبارکہ کے اندر ذکر آتا ہے کہ نماز کی ادائیگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ کس طرح کی جائے،
लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ इजाजत लेने के, किसी के घर में दाखिल होने की इजाजत लेने के बारे में अल्लाह ने दो रकू बयान फरमा दी। इसके साथ सूरत हुजुरात के अंदर माशरती मौजूआत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत तफसील तलब गुफ्तगू फरमाई, लेकिन बदकिस्मती यह है कि उन माशरती मौजूआत को हम खुलकर बयान नहीं करते। आज आप हजरात के सामने मैं उसी हवाले से बात करना चाहता हूं। हमारी नजर में माशरत क्या है और कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसका तस्करा क्या है, अहलियत क्या है? याद रखिए, हम ये समझते हैं इबादत मस्जिद में आकर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ताजिर जो अपनी दुकान में खड़ा होकर खरीदो फरोख्त कर रहा है, अगर वो ताजिर ईमानदारी के साथ अपने मामले अच्छे अखलाक के साथ और अच्छी माशरत के साथ खरीदो फरोख्त कर रहा है, तो वो यूं समझे कि वो अल्लाह की बारगाह में उसकी तिजारत भी इबादत शुमार हो रही है। वो जितनी देर अपनी दुकान पर मौजूद है, वो सुबह से शाम तक क्यों ना हो, एक एक लम्हा अल्लाह के हां उसकी तिजारत इबादत के अंदर शुमार हो रही है। किस कदर अहम बात है और हमारी नजर से ओझल है। यह जरूरी नहीं कि लंबे सजदे हों, यह जरूरी नहीं कि हर रोजाना रोजा हो, यह जरूरी नहीं कि हज के लिए ही मुझे जाना है, यह जरूरी नहीं कि मैं जकात अदा करूं तो ही मैं इबादत कर रहा हूं। वो बहुत अहम चीजें हैं, लेकिन इसके साथ साथ माशरती मौजूआत, इसके साथ साथ मेरा रवैया अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ, इसके साथ साथ इंसानियत के हवाले से एक दूसरे से राबता ताल्लुक किस तरह होना चाहिए, दीन इस्लाम ने बड़े खुलकर उस पर बात की है। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से इंसानियत किस कदर अहम है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी हकीमुल उम्मत कहा जाता है आपको, बहुत बड़ी खानकाह है थी आपकी। आपने फरमाया, अगर किसी को जाहिद आबिद बनना है तो बहुत सी खानकाहें मौजूद हैं, जाए वो वहां सिर्फ जाहिद और आबिद बने, अगर किसी को इंसान बनना है तो वो आ जाए मेरी खानकाह में आकर बैठ जाए, हम सबसे पहले इंसान बनना सिखाते हैं, उसके बाद जाहिद और आबिद बनने की बारी आती। गोया अगर किसी ने मुत्तकी परहेजगार इबादत गुजार तहज्जुद गुजार बनना है तो वो तहज्जुद गुजार इबादत गार बाद में बनेगा, सबसे पहले एक अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान बनेगा। हुजूर अली सलातो सलाम ने सहाबे किराम की जो तरबियत फरमाई है, उस तरबियत के अंदर सबसे पहली चीज इंसानियत है, सबसे पहली चीज। मुसलमान भाई का तस्करा बाद में है, मुसलमान के साथ तुम्हारे मामलात बाद में है, तुम्हारा मामला सबसे पहले इंसान के साथ है। यही वजह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहां जहां भी तस्करा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब पूरी इंसानियत को पुकारा तो या अय्युहल इंसान कहकर पुकारा। ये कहना चाहिए था ना या अय्युहल मुस्लिमून या अय्युहल मुमिनून, लेकिन अल्लाह ने या अय्युहल इंसान कहकर पूरी इंसानियत को सबक दे दिया और खास करके मुसलमानों को यह सबक दिया कि तुम्हारे लिए इंसानियत का वकार, इंसानियत की अजमत, उसकी शान, उसकी रिफत सबसे बुलंद है। आज के मुसलमान में सबसे ज्यादा कमजोरी इन्हीं माशरती मौजूआत के अंदर है। एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ बर्ताव, अखलाक, मामलात, माशरत, ये सबसे अहम चीज थी, लेकिन हमने इसे पसे पुश डाला और हमने दीन को सिर्फ और सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया। इमाम गजाली का कौल है, बड़ा मशहूर, आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीन किस्म के जानवर पैदा किए,
पहली किस्म वो जानवरों की है जिसका फायदा है नुकसान नहीं, जैसे बकरी, गाय, भैंस वगैरह। अल्लाह ने हमें अता किया, तुम इसका दूध पियो, जब दूध देना बंद कर दे तो तुम इसे ज़िबा करके इसका गोश्त खाओ। फिर फरमाया कि दूसरी जानवरों की किस्म वो है जिसका फायदा कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, वो दरिंदे जानवर, सांप, बिच्छू वगैरह। नुकसान क्या है कि वो इंसान को सिर्फ डसते हैं, काटते हैं, उसके अलावा बज़ाहिर उनका कोई फायदा नहीं। तीसरी किस्म बयान फरमाई, फरमाया तीसरी किस्म का जानवर वो है जिसका ना नुकसान है ना फायदा है, जैसे लोमड़ी हो गई, गिदड़ हो गया। शहरों में आम तौर पर ये नहीं पाए जाते, इनका हमें ना नुकसान है ना फायदा है बज़ाहिर तौर पर। ये जानवरों की तीन किस्में बयान करने के बाद आपने फरमाया, ए इंसान, अल्लाह ने तुझे अशरफुल मखलूकात पैदा फरमाया है। तमाम अल्लाह ने जितनी भी तखलीकात अपनी की, उन तमाम मखलूकात में जिसको सबसे ज्यादा अफजल व आला बनाया वो इंसान है। फरमाया अगर तुम इंसान नहीं बनना चाहते, जानवर बनना चाहते हो, तो याद रखना पहली किस्म का जानवर बनना, कौन सा, जिसका फायदा हो नुकसान ना हो, तुमसे लोगों को फायदा मिले, नुकसान तुम्हारी जात से किसी को ना हो। फिर फरमाया अगर पहली किस्म का जानवर नहीं बन सकते तो तीसरी किस्म का जानवर बन जाना कि जिसका ना फायदा हो ना नुकसान हो, तुम्हारी जात से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई अजियत ना पहुंचे, ताकि अल्लाह तुमसे राजी रहे। अगर तुम्हारी तरफ से कोई अजियत तकलीफ पहुंची तो गोया यूं समझो कि तुमने अल्लाह को नाराज कर लिया। और तीसरी किस्म बिल्कुल ना बनना कि जिसका नुकसान ही नुकसान हो। याद रखो अगर तुमने ऐसा किया तो तुम दरिंदों में शुमार होगे, जानवरों के अंदर भी शुमार नहीं होगे। ये तीसरी किस्म जिससे मुझे और आपको बचना है, मेरी जात से दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। यह है वो अहम चीज जिसका हमें ख्याल रखने की जरूरत है। अगर एक इंसान किसी के लिए राहत का जरिया नहीं बन सकता, किसी को सुकून नहीं अता कर सकता, तो उसके लिए तकलीफ का सबब तो ना बने। हुजूर अलैहिस्सलाम की जाते ग्रामी कुर्बान जाऊं मैं उस जात पर कि जिन्होंने हमेशा लोगों के लिए आसानियां पैदा की, लोगों के लिए राहत का जरिया बने। आप एक मिसाल से नहीं बयान कर सकते, एक मिसाल से, कि जहां हुजूर ने इंसानियत से हटकर बात की। एक ऐसी हदीस मुबारक मेरी नजर से गुजरी जिसे मैं पढ़कर हैरान हो गया कि इस कदर बुलंद मकाम और सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमाइन की इस कदर तरबियत का मयार बुलंद किया आप अलैहिस्सलाम ने। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से निकले, जैसे ही निकले आगे रस्ते के ऊपर जहां से लोगों की गुजरगाह थी, आपने देखा कि दो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमाइन वहां रस्ते के ऊपर खड़े होकर आपस में महवे गुफ्तगू हैं, बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही आपने देखा आपके रंग, आपके चेहरे का रंग मुबारक तब्दील हो गया, फौरन से आप गुस्से में आ गए। आप वहां से गुजरे, सहाबा किराम ने आप पर सलाम भेजा, लेकिन आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, पास से गुस्से की हालत में गुजर गए। अब जरा नजर दौड़ाइएगा और अपने दिल की नजर से देखिएगा कि एक सहाबी रसूल जिसकी 24 घंटे की जिंदगी हुजूर के नाम है, जिसका सब कुछ हुजूर की शान पर कुर्बान है, वो अगर उससे हुजूर नाराज हो जाए तो उसकी जात पर, उसके दिल पर क्या गुजरेगा। वो फौरन हुजूर के पीछे तशरीफ ले गए, या रसूल अल्लाह फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, हमसे कोई गलती हो गई, आपने हमें सलाम का जवाब नहीं दिया। आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, तुम्हें किसने कहा कि रस्ते पैदल
ये रस्ते खड़े होकर गुफ्तगू करने वालों के लिए बनाए गए, ये पैदल चलने वालों का हक है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस अमल से किसी इंसान को तकलीफ पहुंच सकती है? किस कदर बुलंद मकाम, कहां स्टेटस सेट किया हुजूर अली सलातो वसलाम ने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन की तरबियत का? क्या हुआ कि अगर थोड़ी देर के लिए हुजूर वहां से अपनी नजर फेर लेते और तशरीफ ले जाते, वो नबी जिन्होंने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन के कातिलों को एक लम्हे में माफ कर दिया, अपने आप को गालियां देने वालों को एक लम्हे में माफ कर दिया और पेशानी मुबारक पर बल तक ना आया, वो नबी अकरम, वो शफीउल मुजनबीन, वो इमामुल अंबिया, वो सरताजुर रसूल, वो खातमुल नबीयीन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक सहाबी रसूल से इस बात पर नाराज हो गए कि वो रस्ते के ऊपर क्यों खड़ा था, इस बात पर नाराज हो गए कि उसकी वजह से किसी इंसान को तकलीफ पहुंच सकती थी। मैं और आप सुबह से शाम तक आशिके रसूल बनने का दावा करते हैं। मैं ये बात पहले भी कह चुका कि इश्के रसूल ये खास है इताते रसूल के साथ। अगर इताते रसूल नहीं है तो मैं और आप 100 मरतबा दिन के अंदर ये कहते रहें हम आशिके रसूल हैं, हम आशिके रसूल हैं। इश्के रसूल मेरी और आपकी इताअत के साथ खास होगा, मेरी और आपकी जबान के साथ खास नहीं होगा। किस कदर बुलंद मकाम इंसानियत का स्टैंडर्ड जो सेट किया आपने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इंसानियत का हर इंसान के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके जिस्म के अंदर बहुत से जोड़ पैदा किए। एक इंसान के लिए जरूरी है कि वो अपने जिस्म के हर जोड़ के लिए सदका अदा करे, जरूरी है उसके लिए। क्यों? इसलिए कि वो हर जोड़ अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। अगर एक जोड़ भी हिल जाए तो मैं और आप अपने बिस्तर से हिल ना सके। हमने देखा कितने मरीज ऐसे हैं जिनकी कमर का एक जोड़ हिला होता है, सिर्फ एक जोड़, सारी जिंदगी बिस्तर पर गुजर जाती है, हिल नहीं सकते। पेशाब भी बिस्तर पर होता है, पखाना भी बिस्तर पर होता है। अब 360 जोड़ हैं एक इंसान के जिस्म में। अल्लाह ने कुर्बान जाऊं मैं उस जात पर जिसने इंसानियत के लिए किस कदर इंसानी आसानी पैदा फरमाई। हुजूर अली सलाम ने फरमाया अल्लाह ने आसान फरमा दिया हर जोड़ का सदका अदा करना। वो कैसे? वो इस तरह कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो ऐसे इंसान जिनके दरमियान रंजिश हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो और तीसरा इंसान आकर उनके दरमियान सुलह करवा दे तो गोया उसने अल्लाह की राह में सदका कर दिया। इससे भी आगे बढ़िए, फिर फरमाया एक इंसान जो अपनी सवारी पर सवार होना चाहता है और उससे सवार नहीं हुआ जा रहा और दूसरा इंसान सिर्फ उसको सवारी पर सवार होने के लिए सहारा दे दे, वो सहारा देना भी अल्लाह की राह में सदका करने के बराबर है। इससे भी आगे बढ़िए, फिर फरमाया जो इंसान किसी दूसरे इंसान का बोझ जो वो दूसरी सवारी पर रख रहा है उस बोझ को सहारा देकर उसको साथ सवारी पर रख दे, उसके सवारी पर रख देना ये सहारा देना भी अल्लाह की राह में सदके के बराबर है। कुर्बान जाऊं मैं दीन इस्लाम में किस कदर आसानियां पैदा फरमाई। फरमाया जो शख्स नमाज पढ़ने के लिए अपनी दुकान, अपने घर, अपने ऑफिस से मस्जिद के लिए आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हर हर कदम को अपनी बारगाह में सदके के बराबर उसको अजर व सवाब अता फरमाते हैं। गोया आप अपनी दुकान से इस वक्त आ रहे हैं, आप अपने ऑफिस से आ रहे हैं, आप अपने घर से आ रहे हैं, जिधर से भी आ रहे हैं, आपके एक एक कदम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अजर व सवाब अता फरमा रहे हैं। सामीन गिरामी, अल्लाह ने
इंसानियत के मयार को बुलंद किया। सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी से, उनकी अमल से, उनकी सुन्नत से जो चीज़ सबसे पहले हमें मालूम हुई वो ये कि तुम्हें इंसानियत के मयार, इंसानियत के मयार को बुलंद रखना। चाहे तुम्हें अल्लाह की इबादत की हैयत को ही क्यों ना बदलना पड़े, उसकी मिसाल एक शख्स फर्ज नमाज पढ़ रहा है, लेकिन फर्ज नमाज कहां पढ़ रहा है? एक ऐसे रास्ते पर पढ़ रहा है जहां से लोगों का गुजरगाह है, लोग गुजर के जा रहे हैं, लेकिन उनको तकलीफ हो रही है उस नमाज पढ़ने वाले की वजह से। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब वो नमाज पढ़ना भी उसके लिए अजर व सवाब का बायस नहीं बन रहा, बल्कि लोगों की तकलीफ की वजह से, लोगों को अजियत देने की वजह से वो नमाज पढ़ना भी उसके लिए गुनाह शुमार हो रहा। हजरे असवद को बोसा देना कितनी अजमत वाली बात है, कितना बड़ा बुलंद मकाम है, लेकिन इस कदर बुलंद मकाम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स हजरे असवद को बोसा देता है गोया ये ऐसे है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ पर बोसा दे रहा है। इस कदर बुलंद मकाम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बोसा दिया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने बोसा दिया, क्योंकि वो हजरे असवद जो जन्नत से आया हुआ पत्थर है वो गुनाहों को इंसान के अंदर से चूस लेता है। फरमाया अगर हजरे असवद को बोसा देते हुए एक इंसान किसी को धक्का देता है तो उसके लिए जरूरी यह है कि वो हजरे असवद को बोसा ना दे। क्यों? इसलिए कि अगर हजरे असवद को बोसा देते हुए किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ हो रही है तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नियत के बुनियाद पर ही उसे उसका अजर अता फरमा देगा। गोया जिसने बोसा नहीं दिया, बोसा नहीं दिया नियत की, लेकिन इस वजह से रुक गया कि कहीं किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे, वो रुक जाना उसका ठहर जाने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हजरे असवद के बोसे का अजर अता फरमा देगा। सजदे के अंदर ये मैं मिसालें क्यों बयान कर रहा हूं, ये इंसानियत की अजमत है, मैं बताना चाह रहा हूं इंसानियत का वकार क्या है। सजदे के अंदर अपनी बाहों को, अपने इन बाजुओं को अपने जिस्म से दूर करने का हुक्म है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि मेरे और आपके बाजू मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे, मेरे और आपके बाजू सजदे के अंदर हमारे जिस्म के साथ मिल जाए, मना फरमाया, सख्ती से मना फरमाया। फरमाया अपने बाजू ऐसे रखो नमाज के अंदर, सजदे के अंदर, कि तुम्हारे बाजू दोनों तरफ खुले हुए हों। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस शान और रिफत और बुलंदी पर कि मेरे रब ने फरमाया अगर तुम्हारे साथ नमाज पढ़ने वाले को तकलीफ पहुंच रही है तुम्हारे बाजू खोलने से, तो तुम मेरे हुक्म को छोड़ दो, अपने बाजुओं को अपने जिस्म के साथ मिला लो। तुम इस बात का ख्याल रख साथ वाले मुसलमान भाई को तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह ने अपने हकूक को कुर्बान कर दिया इंसानियत के हकूक पर। यह मेरी और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी मोहतरम, आज मेरे और आपकी वजह से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ और अजियत पहुंच रही, लेकिन हमें इसका ख्याल ही नहीं, हम सोचते ही नहीं कि हम किस कदर बड़ा गुनाह कर रहे हैं, हम किस कदर बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अगर एक इंसान इबादत के अंदर कमजोरी कर देता है, नमाज के अंदर, रोजे के अंदर, हज के अंदर, जकात के अंदर उसे कमजोरी सरजद हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माफ कर देता है। मौत से पहले उसके पास मौका है, वो जब भी माफी मांगे अल्लाह उसको माफ कर दे। जब माफी ना भी मांगे एक ऐसा अमल करे, एक ऐसा अमल करे जिसकी वजह से अल्लाह उसके हुकूक जो उसके अल्लाह के जिम्मे थे अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे। लेकिन याद रखिए
حقوق العباد وہ عبادات ہیں کہ جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا جس کے ساتھ اس کے معاملات تھے اس وقت تک اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا, اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا. ہماری زندگیوں کے اندر سے اس کی اہمیت ہی نکل گئی. یاد رکھیے دین اسلام میں تین حصے معاملات اور حقوق العباد پر مشتمل ہیں, تین حصے, اور ایک حصہ عبادت پر مشتمل ہے, ایک حصہ صرف. ہم تین حصوں کو چھوڑ رہے ہیں, بلکہ چوتھا بھی نہیں کر رہے, بس کبھی کبھی پورا کر دیتے ہیں. لیکن وہ تین حصے جو معاشرت کے ساتھ خاص ہیں, جو ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ ہیں, میری اور آپ کی توجہ ہی اس طرف نہیں. انسانیت کا وقار بلند ہے, انسانیت کی عظمت بلند ہے, انسانیت کی شان اور رفعت بلند ہے. ہر چیز سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اچھا برتاؤ صرف مسلمان کے ساتھ کرو, بلکہ فرمایا ہر انسان کے ساتھ کرو. وہ کسی بھی مذہب, کسی بھی نسل, کسی بھی صوبے, کسی بھی قوم, کسی بھی ذات برادری کا ہے, یہ بات اہم نہیں ہے. اہم یہ بات ہے کہ تمہارا برتاؤ, تمہارا حسن سلوک اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. آج بدقسمتی سے کافروں کا حسن سلوک, ان کی معاشرت بدقسمتی سے ہم سے زیادہ بہتر ہے. جو اصول قرآن نے 1400 سال پہلے بیان فرمائے تھے, آج وہ اصول یورپ اور امریکہ کے قانون کا حصہ تو بن چکے ہیں, ان کی زندگی کا حصہ بن چکے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے مسلمان کی زندگی کا وہ حصہ نہیں بن پا رہے, انسان کی زندگی کے اندر وہ حقوق نہیں آ پا رہے, وہ معاملات, وہ معاشرت, وہ انسانیت نہیں آ رہی. یاد رکھیے یہ سب سے اہم انسانیت ہے کسی بھی انسان کے لیے, کسی بھی مسلمان کے لیے. اگر وہ اچھا انسان نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اچھا مسلمان نہیں بن سکتا. اگر اچھا انسان ہے تو وہ آٹومیٹکلی ایک انسان خود بخود اچھا مسلمان بن جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو دین سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.